तो गाइज रमज़ान जो कि मुस्लिम धर्म का एक खास त्यौहार है वो आने वाला है, जिसका तैयारी फ्री फायर पर भी चालू हो चुका है। जैसे कि आप देख चुके हैं ये दो इवेंट आए हैं जिसमें से ये 7 डेज़ के लिए, इस इवेंट को एक बार हम लोग चेकआउट करते हैं। तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें, मेरा लक जो था वो कितना परसेंट था यार, -76% था। तो इसमें 76% सभी चीज़ों पर कम कर दिया गया है रेट। तो मैं यहाँ पर देखिए परचेज कर सकता हूँ कोई भी चीज़ें, इसको 20 20 टोकन को कलेक्ट कर सकता हूँ बहुत सस्ते में ही। उसके अलावा ये ग्लू वॉल मेरे को अच्छा लगा, इसमें खरीदने का सोच रहा हूँ। ऐसा टॉपअप तो नहीं किया हूँ, कुछ दिन बाद करूँगा टॉपअप तो खरीदूँगा। उसके अलावा एक जो ये इमोट है ये भी काफ़ी तगड़ा इमोट है, जो कि आपको 150 डायमंड के करीब में मिल जा रहे हैं। कितने तगड़ा इमोट है आप लोग ये देखिए, आप इस इमोट को अपने पेट के साथ कर सकते हैं। इमोट तो काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा आप लोगों को दिखाता हूँ रमज़ान इवेंट, जो कि इसमें बंडल भी है। आपको स्विच करना चाहते हैं 10 डायमंड दे के स्विच कर सकते हैं, मतलब कि आप चेंज कर देंगे ये चीज़ें हट कर दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए इसको बैक करते हैं और फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये एक इवेंट है, इस इवेंट में हम लोग को ये सारे टोकन कलेक्ट करने होंगे, और जब हम ये सभी टोकन्स को कलेक्ट कर लेंगे तो ये लेजेंड रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे। तो देखते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्पिन क्या मिला यार, पैराशूट। तो चलिए एक और स्पिन करता हूँ, ये मिल गया। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो चुकी हैं और ये 2 होंगे तो हमारा एक स्टेज कंप्लीट होगा। ये डायमंड वाला टोकन भी हो चुका है, तो हम इस इमोट वाले टोकन को फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो जब हम ये रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट हमारे फ्रेंड्स के पास जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप मेरे फ्रेंड के पास रिक्वेस्ट जाएगा, जो कि सेंड करेंगे तो मेरे को यहाँ पर वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा मेरा फ्रेंड एक मेरे से मांग रहा है वेपन रॉयल वाला कार्ड, तो मेरे पास एक ही है तो मैं दे नहीं सकता हूँ। मैं दे दूंगा तो मैं खुद को कैसे करूँगा। तो फिर जब ये मिलेगा तो हम लोग का एक स्टेज अप होगा। अभी मैं कर तो नहीं पा रहा हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ कि आप लोग को जब एक कार्ड आप करेंगे पूरा, जब ये 5ों कार्ड आपके पास हो जाएंगे तो आपका एक स्टेज कम्प्लीट होगा। और अगले राउंड में जैसे यहाँ पर एक कार्ड का रिक्वायरमेंट है, तो अगले राउंड में आपको 2 कार्ड इकट्ठे करेंगे। उसके अगले राउंड में आपको 3 कार्ड इकट्ठे करने होंगे, जैसे 3 कार्ड 3 इमोट वाले, 3 पैराशूट वाले, 3 वेपन वाले, 3 डायमंड वाले, और एक ये पता नहीं बैकपैक है शायद, तो एक बैकपैक वाला, हाँ बैकपैक कार्ड। आपको ये सब इकट्ठे करने होंगे तभी आपका इवेंट कम्प्लीट होगा और एक स्टेज बढ़ेगा। ऐसा आपको 5 बार करना होगा तो आपको ये इमोट मिलेगा, 5th स्टेज पर इसका इमोट है। उसके अलावा आपको दिखाता हूँ कैलेंडर, फ्री फायर का जो न्यू कैलेंडर आया है। तो कैलेंडर सेक्शन में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैलेंडर। तो यहाँ पर भी भाई एक वेक्टर का स्किन है, आप लोग बताइए आपके पास वेक्टर का स्किन था कि नहीं। मेरे पास तो भाई नहीं था वेक्टर का स्किन, आप लोग खुद देख सकते हैं। SMG में अधिकतम गन के स्किन थे, बस वेक्टर का स्किन नहीं था। देखिए आपको दिखाता हूँ वेपन आर्मरी किधर गया, सब मशीन गन। इसमें देखिए मेरे पास वेक्टर का स्किन नहीं था, जो कि मैं रेगुलर यूज करता हूँ, फिर भी मेरे पास इसका स्किन नहीं था। तो हमें इसका स्किन चाहिए था, तो चलो फ्री फायर ने वो वाली कसर तो पूरी कर दी। उसके अलावा तो भाई हमारे गिल्ड में आपको आना है तो आ जाइए, हम आपको गिल्ड आईडी यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये पता नहीं कौन पागल बार बार फोन कर रहा है। तो ये रहा हम लोग का गिल्ड का आईडी, आप लोग चाहिए तो आ जाइए। ये पागल हो गया, 1 मिनट डू नॉट डिस्टर्ब कॉल कर रहे हैं। तो अब तो कॉल करता रहे, हाँ अब उसका कॉल आने से रहा। तो मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि क्या समझा, आप लोग तो देख ही सकते हैं क्यों कॉल आ रहा है यार इतना। तो ये आप लोग चिंता मत कीजिए, एक और वीडियो बनाने के बाद उसको दम पर गालियाँ दूंगा, टेंशन नहीं लेने हैं। ये सब देख ही सकते हैं। कल वैसे वेपन रॉयल में मेरा एक और वेपन निकला था, आप लोग को दिखा देता हूँ। स्नाइपर में निकला था एक स्नाइपर, हम मेरा ये वाला स्नाइपर मिला था, जो कि काफ़ी बढ़िया लुक है इसका। और क्या ही बताऊँ, रमज़ान इवेंट अब शुरू हो चुका है। इमोट लीजिए, ऐस कीजिए, ये वाला इमोट आपको फ्री में मिल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय। जब अगला इवेंट आएगा या फिर कुछ और जानकारी मिलेगी तो आपके लिए एक नया वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।